नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पेशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने चल रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 से संबंधित टॉपिक, वो भी सामाजिक अध्ययन के। लास्ट टाइम में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, और इसी में आगे दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल। ये थोड़े टॉपिक बड़े हैं मित्रों। आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए विस्तारित क्या दे रखा है इसमें। प्रत्येक बात को अच्छे से जानेंगे, क्या होती है सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे शुरुआत हुई इसकी। सबसे पहले परिचय के बारे में, देखिए भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। भारत के इतिहास की बात करें तो इसका प्रारंभ किससे होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से, और दूसरा नाम अगर इसका बोलें तो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो आप इसको हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता, एक ही बात है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व है, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। परिचय में से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा मित्रों, इसलिए इस परिचय को आप अच्छे से याद करें। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, तो आप याद रखें हड़प्पा सभ्यता यही सिंधु घाटी सभ्यता है और 2500 ईस्वी पूर्व है, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। कहाँ पर, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, और वर्तमान में कहाँ पर, पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से इसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन जो नगरीय सभ्यताएं हैं उनसे भी अधिक उन्नत थी, यानी विकसित थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। 1920 में एक विभाग है भारतीय पुरातत्व विभाग, जो इन घाटियों की या सभ्यताओं की उत्खनन का जो कार्य है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है, और सिंधु घाटी का उत्खनन किया गया 1920 में। अवशेष मिले हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, दो प्राचीन नगर। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, और खोज की घोषणा हुई 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की। तो ये परिचय हैं जो चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताएं हैं, उनमें ये सबसे उन्नत मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं, इनको ध्यान में रखें। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, महत्वपूर्ण स्थल पहला दे रखा है हड़प्पा। खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी, 1921 में इसकी खोज हुई। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटे गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित। कौन सा स्थान, हड़प्पा। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। तो ये ध्यान में रखना आपको। और यहाँ पर जो खोज हुई महत्वपूर्ण, वो थी मनुष्य के शरीर की वलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, और अन्नागार है, बैलगाड़ी है, ये यहाँ पर देखने को मिली। तो याद रखें हड़प्पा की, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खोज की गई, और ये खोज में मिले वलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार, बैलगाड़ी। तो बहुत ही शानदार नोट्सों के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरा देखिए, हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा के एक वर्ष बाद में खोज की गई, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर।
वो थी रावी नदी के तट पर और ये थी सिंधु नदी के तट पर। क्या क्या मिला देखिए, ये विशाल स्नानागार, अन्नागार, कंसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दांडी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्तियाँ और बुने हुए कपड़े, ये यहाँ पर देखने को मिले। मोहनजोदड़ो, जिसको मर्तकों का टीला कहते हैं, राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना जिले में। लरकना जिले में कहाँ? सिंधु नदी के तट पर। और ये कुछ मिलने वाले जो आइटम हैं, ध्यान में रखें इनको। तीसरा जो नगर है वो है सूतकांड गेडोर, तो ये भी याद रखें। स्टेन ने 1929 में इसकी खोज की। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है ये, दास्त नदी के किनारे। और यहाँ पर मित्रों हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, ये खोजा गया यहाँ पर। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु सूतकांड गेडोर नगर में। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उन्हीं को शामिल किया गया एक नोट्स रूप में, आप इनको देख सकते हैं। चन्हुदड़ो, नेक्स्ट है चन्हुदड़ो नगर। एन जी मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में यहाँ पर खोज हुई। और ये मिले मित्रों यहाँ पर मनके बनाने की दुकानें देखी गई, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ पर देखने को मिले चन्हुदड़ो में। एन जी मजुमदार 1931, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में इसकी खोज हुई। और नेक्स्ट नगर है आमरी। एन जी मजुमदार ने ही इसकी खोज की 1935 में, सिंधु नदी के तट पर और यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले मित्रों 1935 में। नेक्स्ट आपका कालीबंगन, इसकी खोज की कालीबंगा घोष ने 1953 में, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पर ये मिले मित्रों अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल है। इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट्स के रूप में लिखें आराम से और दो तीन बार पढ़ने का प्रयास करें, याद हो जाएंगे। लोथल, इसकी खोज की आर राव ने 1953 में, गुजरात में केम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात में केम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर मिले मित्रों मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल, ये यहाँ पर देखने को मिले। मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्मित बंदरगाह यहाँ पर मिला। लोथल, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल भी यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट है सुरकोतदा। सुरकोतदा जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज की। कहाँ पर? गुजरात में। बाकी कोई डिटेल है नहीं इसकी। और ये मुख्य बातें हैं यहाँ पर, घोड़े की हड्डियां देखने को मिली और मन के। नेक्स्ट आपका बनावली। बनावली आर एस विशिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है और यहाँ पर मन के मिले, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साथ से भी यहाँ पर देखने को मिले। धोलावीरा में इसकी भी खोज आर एस विशिष्ट ने की 1985 में, गुजरात में कच्छ के रण में ये स्थित है। और जल निकासी प्रबंधन और जल कुंडे यहाँ पर देखने को मिले, जल निकासी प्रबंधन और जल कुंडे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, थोड़ा लंबा है टॉपिक, आराम से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के तीन चरण हैं, ये तीन चरण हैं मित्रों इसके। प्रारंभिक हड़पाई सभ्यता, परिपक्व हड़पाई सभ्यता और उत्तर हड़पाई सभ्यता। प्रारंभिक जो हड़पाई सभ्यता है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, और परिपक्व हड़पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। तो ये जो सन है वो याद रखेंगे आप। पूछ लिया जाता है प्रारंभिक हड़पाई सभ्यता की शुरुआत कब से कब तक हुई, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा यहाँ से। आगे देखिए, प्रारंभिक हड़पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर, हाकरा
आकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। हड़पाई लिपि जिसमें लिखा जाता है उसका प्रथम उदाहरण मिला लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय। और इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले यहाँ पर। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और वर्तमान पाकिस्तान में, तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ हुआ 1800 ईसा पूर्व में, इससे माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक पतन यानी क्रम से पतन 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। तो ये कुछ चरणों की बात है सिंधु घाटी सभ्यता के। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातत्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। यहाँ पर आप देखिए नगरीय योजना और उनका विन्यास किस प्रकार से हुआ, ये कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो ये दुर्ग थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग, रुपए पैसों में मान लीजिए उच्च वर्ग के लोग। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को कहां पर काटती थी, समकोण पर काटती थी मित्रों, ग्रिड प्रणाली जिसको बोलते हैं। तो ये याद रखें हड़प्पा सभ्यता की ध्यान देने योग्य बात है ये। अन्न भंडारों का निर्माण यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी, अन्न भंडारों का मिलना। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में जो मकान है उनके निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था, सूखी ईंटों का। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानघर और आंगन होता था। काली बंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों तथा भागों में विभाजित थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उनका किस प्रकार की योजनाएं और विन्यास हुआ, निर्माण उनका होता था, ये बातें दी हुई हैं। इसके बाद में कृषि जान लेते हैं, वहां पर किस प्रकार की कृषि थी। हड़प्पाई गांव मुख्यतः इन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन यहां पर होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ यानी कम मिलते हैं चावल के जो साक्ष्य हैं। बाकी गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन काफी मात्रा में होता था। बाजरा उत्पादन के संकेत भी कुछ जगह कुछ स्थानों पर मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन
इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा के मूर्तियों पर सांड के चित्र भी मिले हैं। तो यही पॉइंट, इन्हीं पॉइंटों में से आपसे पूछ लिया जाता है मित्रों कि मोहरों और टेराकोटा के मूर्तियों पर सांड के चित्र किस सभ्यता से मिले हैं, तथा पुरातत्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम स्थान यानी लगभग स्थान कैसा था वहाँ का, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ना ज़्यादा नमी और ना ही ज़्यादा सूखा, उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। नहरों के अवशेष हड़पाई स्थल सोर्त गुई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। नहरों के अवशेष, तो ये हड़पाई स्थल है एक सोर्तू गई अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं पंजाब और सिंध में नहीं मिले। हड़पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी, इस प्रकार के कोई भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। कृषि से संबंधित बातें हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सा अनाज उत्पादन होता था, कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली, खुदाई में बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था। प्रत्येक पॉइंट को देखिए, पॉइंट के अनुसार ही बनाया गया है। अर्थव्यवस्था, अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार भी किया जाता था। हड़पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीपे एवं शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौ वहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार किया जाता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध भी थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं। अनगिनत संख्या में मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियां, इन तरीकों से व्यापार करने का तरीका वहां पर मिला है। पत्थर है, धातु है, सिक्के, शंख, व्यापार ये करते थे, और व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, यानी वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाता था। धातु मुद्रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था। तो ये मुख्य बातें हैं। नौ वहन प्रणाली भी मौजूद थी। अब देखते हैं शिल्प कला। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे मित्रों। शिल्प कला में दे रखा है, हड़पाई कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानते अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चलता है। हड़पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा के मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी और हड़प्पा वासियों के स्वयं के विशेष बर्तन बनाने की विधियां भी यहाँ पर थी। हड़पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो ये हड़पाई नाव बनाने की विधि है, मनका बनाने की विधि, मोहरे हैं, इन बातों से भली भांति लोग परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण किया करते थे। संस्थाएं देखिए आप, कौन कौन सी संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रत्येक पॉइंट को जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं।
जिन्हें अभी तक पुरातत्वविद तथा शोध शोधार्थियों द्वारा पढ़ा भी नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं मित्रों, लेकिन पुरातत्व विभाग है या शोधार्थ जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि लिपि ही इस प्रकार की थी। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्वानता को नकारा जा सकता है, ना पुजारी थे ना ही मंदिर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता अनुमानत व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। शासन किसका चलता था? व्यापारी वर्ग का। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्व जो अभिलेख हैं उनके द्वारा कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, ये भी कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि व्यापारी वर्ग का शासन था और कुछ पुरातत्वविद इस प्रकार से कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। तो एक राय नहीं है मित्रों, कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग भी मौजूद थे। अब देखिए तीन तरह की बात निकलती है। कुछ पुरातत्व तो ये कहते हैं कि व्यापारी वर्ग का शासन था, और कुछ कहते हैं कोई भी शासक वर्ग नहीं था, समान दर्जा यहाँ पर दिया जाता था, और कुछ कहते हैं कि कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। तो ये अलग अलग बातें निकल कर आती हैं सामने जब इतिहास को खंगोला जाता है। तो अनुमान लगाए गए हैं सिर्फ। अब देखिए धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म है, टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र यहाँ पर पाया गया। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को भी दर्शाया गया है। लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को। हड़पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, पृथ्वी को उर्वरता की देवी, और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर तीन श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार की देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जहां पर एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा, और उनके सिंहासन के पीछे जहां पर वो बैठे हैं विराजमान थे भैंसा का चित्र था, और पैरों के पास में दो हिरणों के चित्र। जो भी चित्रित भगवान की मूर्तियां मिली हैं उनको पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। स्त्री जो जननांग हैं जिनसे एक नई संतति का निर्माण किया जाता है वो अंग उजागर किए गए हैं चित्र के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। वृक्ष और पशुओं की, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था जिसकी कुबड़ निकली हुई। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए, लोकेट जिसको बोलते हैं। तो ये धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको, प्रत्येक स्क्रीन शॉट लेते जाएं साथ साथ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और वो भी एक नोट्स रूप में। अब देखिए इसका पतन, विकास होता है किसी वस्तु का तो उसका पतन भी सुनिश्चित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं कि पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। किसने? यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते थे कि प्रकृति के कारण इसका विनाश हुआ है। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं।
यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई और उसके कारण इसका पतन हुआ। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। जो वर्षा होती है उसमें बदलाव, कम ज्यादा का असर। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने, तो ये वैसे तो आइडिया लगाए गए मित्रों, कोई पूर्ण साक्ष्य इनके पास में थे नहीं, बस सिर्फ आइडिया लगाए गए कि इस प्रकार से हुआ होगा, या तो भूकंप से हुआ होगा, या जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ होगा, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा। कोई पूर्ण साक्ष्य नहीं है, लेकिन तर्क दिए गए हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। तो प्राकृतिक आपदाओं को ही इसके पतन का कारण माना गया है। तो ये थी मित्रों आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सभी जानकारियां बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में अच्छे से इसको आप पढ़ें, जो भी बातें बताई गई हैं उनका स्क्रीनशॉट लें, अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। और इनमें से भी जो आप मुख्य बातें, वैसे तो देखिए प्रत्येक पॉइंट जो भी यहाँ पर लिया गया है मुख्य ही लिया गया है, इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। ये देख लेना आप, एक तो क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये इतनी ही बातें आपको पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी उठा लिए गए हैं आपके एनसीईआरटी पुस्तक हो या अन्य पुस्तक हो। तो अच्छे से पढ़ें इसको, बार बार पढ़ने का प्रयास करें। अभी समय कम है, एक ही टॉपिक रोज करवाया जा रहा है आपको, तो आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, साथ साथ में ही इसको कवर कर लें। और मित्रों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।